वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, वो ये कि अगर हम किसी स्टेट या सिटी में रहते हैं और वहाँ पर जो मोटरसाइकिल हमें ख़रीदनी है उसकी डीलरशिप नहीं है और उसी वजह से हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है कोई भी मोटरसाइकिल ख़रीदने, और वो है 200, 300 या 400 किलोमीटर। तो अगर आप एक स्टेट में रहते हैं और वहाँ अगर शोरूम नहीं है तो ऑब्वियसली वो 200, 300 किलोमीटर के दायरे में आपको वो मोटरसाइकिल मिल जाती है। तो अब अगर हम नई मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि लॉन्ग राइड्स करना चाहिए या कुछ लोग मना करते हैं कि लॉन्ग राइड्स नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं कि क्या आप अगर 200 किलोमीटर दूर से एक नई गाड़ी खरीद कर अपने घर पे लाना चाहते हैं तो क्या ये सही डिसीजन होगा या नहीं, या फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करा लें। क्या नई बाइक से कुल मिला के ये क्वेश्चन रहता है कि लॉन्ग राइड्स करना सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉन्ग राइड्स के लिए लोग मना क्यों करते हैं और नई बाइक में बहुत एहतियात बरतने के लिए लोग क्यों कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको आराम से चलाएं, अच्छे से ट्रीट करें, कोई इंजन अब्यूज़ ना करें, क्यों ऐसा किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब इंजन नया होता है तो जो पार्ट्स हैं वो फैक्ट्री फिटेड आते हैं। पहले इतना ज़्यादा माना जाता था कि इंजन ब्रेक इन करें, आराम से चलाएं, अब जो है पार्ट्स मशीन कट रहते हैं पूरे, बहुत प्रिसाइज जो है उनके फिटमेंट्स होते हैं, आसानी से फिट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे तो उसमें कुछ मेटल क्रंचेस हमें देखने को मिल जाते हैं, मेटल स्क्रैचेस देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आज के टाइम पर भी इतना मशीन कट जो पार्ट्स रहते हैं उसमें से भी जो मेटल स्क्रैचेस हैं वो निकलते हैं और उसमें भी वेयर एंड टेयर होता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो अब बहुत से लोग इसलिए मना करते हैं, क्या होता है जब पिस्टन और सिलेंडर आपस में चलता है तो वो नया नया रहता है, उसमें जो वो टाइट चलता है, बहुत फ्रिक्शन रहता है, लेकिन जब थोड़ा पुराना हो जाता है इंजन, धीरे धीरे चलने लगता है अच्छे से, तो उसमें क्लियरेंसेस बन जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से सेटल हो जाता है। जैसे हम किसी अलग एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इंजन को इंसान की तरह ही हम समझ सकते हैं, किसी अलग एटमॉस्फेयर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर जाके हम अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो यही सेम केस इंजन के साथ होता है, जब इंजन नया रहता है तो फैक्ट्री से फिटेड आता है, उसे हम चलाते हैं थोड़ा टाइम, और अगर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इंजन को चलाने लगते हैं तो इंजन में वेयर एंड टेयर होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम बहुत एग्रेसिवली चला देते हैं तो इंजन में वेयर एंड टेयर ओवर हो जाता है, जिस वजह से नए इंजन में ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा रहता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसीलिए बोला जाता है कि इंजन में नए पार्ट्स डले रहते हैं, फ्रिक्शन होता है आपस में, धीरे धीरे क्लियरेंसेस बनते हैं, और फर्स्ट सर्विस पर ऑयल चेंज ही इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल स्क्रैचेस जो ऑयल में मिल जाते हैं वो पूरे ड्रेन हो जाते हैं, ताकि अगर मेटल स्क्रैचेस रह जाएंगे ऑयल में तो वो इंजन को वापस डैमेज करेंगे, पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में आके स्क्रैच मारेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट ऑयल चेंज होता है। तो सिंपल सा ये लॉजिक है, इस वजह से बोला जाता है कि लॉन्ग राइड ना करें। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि लॉन्ग राइड ना करें। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आप लॉन्ग राइड्स पे आप 200 किलोमीटर दूर से गाड़ी ला सकते हैं, तो सिंपल सी ये चीज़ है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हाँ, अगर लॉन्ग राइड पे हम ला सकते हैं तो लॉन्ग राइड का मतलब क्या कि हाईवे का मतलब क्या, स्पीड लिमिट अच्छी है, स्पीड लिमिट अच्छी यानी कि आप इंजन को ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है। अब अगर मैं वहीं आपसे कह देता हूँ कि आप लॉन्ग राइड नहीं कर सकते नई बाइक से, तो आप 200 किलोमीटर दूर से गाड़ी को अलग से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसका बीच का रास्ता ये रहता है कि अगर आप दूसरी जगह से गाड़ी को लेके आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ उसका ये देखा जाता है कि इंजन जो है वो आप ओवरहीट ना करें, इंजन को ओवर रेव ना करें, यानी कि अगर 10,000 किलोमीटर पे इंजन रेडलाइन करता है तो आप उसको इंजन की स्पीड कम होना चाहिए, हमें व्हीकल की स्पीड से मतलब नहीं है, हमें व्हील्स की स्पीड से मतलब नहीं है। व्हील्स की स्पीड भले ही 200 पे चल रही हो गाड़ी, लेकिन इंजन की स्पीड 4,000 आरपीएम से या 5,000 आरपीएम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सिंपल सा ये लॉजिक रहता है। अगर आपकी व्हीकल में लॉन्ग गियरिंग होगी, एक गियर पर गाड़ी ज़्यादा लंबा चल सकती है, यानी कि ज़्यादा स्पीड अटेन कर सकती है इंजन की स्पीड कम रखते हुए, एक क्रूजर मोटरसाइकिल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर ऐसी मोटरसाइकिल है तो भी आप ला सकते हैं, और अगर कोई दूसरी मोटरसाइकिल है तो बस आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, व्हील्स की नहीं इंजन की स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि इंजन ओवरहीट ना करे। बीच में अगर आप थोड़ा और ज्यादा लंबा डिस्टेंस है तो थोड़े बहुत हॉल्ट्स लें, इंजन को ठंडा करें, फिर आए 10-1 मिनट रुक के थोड़ा इंजन को कूल डाउन होने का मौका दें, क्योंकि जब इंजन ओवरहीट हो जाता है तो ऑयल पतला हो जाता है, ऑयल पतला होता है तो लुब्रिकेशन उसमें सही से नहीं हो पाता, और लुब्रिकेशन सही से नहीं होगा तो चांसेस हो जाते हैं कि इंजन डैमेज हो जाए। वैसे इतने आसानी से एक बार में डैमेज नहीं होता, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर बहुत एग्रेसिवली 200 मीटर तक आपने बिल्कुल नए इंजन को बहुत तेज दौड़ाया तो उसमें कोई डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हम 200 किलोमीटर दूर से गाड़ी लेके आए थे, एक दो बार हमने उसमें ओवर रेव कर दिया। इसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में ही दे देता हूं। वीडियो पूरी देखिएगा, वरना फिर लोग आधी वीडियो देखकर इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका चांस ये रहता है कि एक आध दो बार में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका इंजन डैमेज हो जाए। और अगर आपको लगता है कि इंजन डैमेज हुआ या नहीं, कि आपके दिमाग में मिथ बैठ जाता है, वो चीज हो जाती है, तो सेटिस्फैक्शन के लिए आप देख सकते हैं इंजन में कोई एबनॉर्मल नॉइज ना हो। कोल्ड इंजन
इंजन में एबनॉर्मल नॉइज आना। जब इंजन हीट हो जाता है तो नॉइजेस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, वो नॉर्मल रहता है क्योंकि जो इंजन के पार्ट्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं, मेटल जो है वो हीट से हीट होने के बाद एक्सपैंड होता है, तो इस वजह से थोड़े नॉइज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर भी दिया एक आध बार कि ओवर रेव कर दिया इंजन या कुछ हो गया, इंजन में से अगर एबनॉर्मल नॉइज नहीं आ रही तो सब कुछ नॉर्मल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अपने घर तक गाड़ी लेके आनी है तो उसका जवाब यही है कि आप ला सकते हैं, लेकिन जो इंजन की स्पीड है वो मेंटेन करें। यूजर मैनुअल पे सबसे पहली चीज आप वहां पढ़ लें कि कितना आरपीएम मेंटेन करना है। सेल्समैन ही आपको बता देगा कि 4000 आरपीएम, 3000, 5000 आरपीएम से ऊपर ना जाने दें। मैक्सिमम जो है 6000 आरपीएम तक आप जा सकते हैं, उससे नीचे ही इंजन को चलाएं। अब 6000 आरपीएम पे हो सकता है आपकी गाड़ी 100 पे चले, हो सकता है 150 पे चले, हो सकता है 70 पे चले, तो उस हिसाब से आपको स्पीड को मेंटेन करके चलाना पड़ेगा। इंजन को कूल डाउन होने का भी थोड़ा सा मौका देते रहें। तो दोस्तों आई होप सो मैंने आपके पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी आपकी नॉलेज बढ़ गई हो और आपकी थोड़ी सी हेल्प हो गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों के पास भी पहुंच जाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज।